साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर चौपाल पर। मैं प्रवीण प्रताप सिंह आज आगरा हाथरस रोड पर प्रकाश कोल्ड स्टोरेज में हूँ और यहाँ पर अभी गोली लगेगी तो देखते हैं किस रेट की आज गोलियाँ रहती हैं, किस रेट का आलू की स्थिति रहती है, बाकी अभी तक की निकासी की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे जो यहाँ पर मैनेजर हैं उनसे कि क्या अभी तक की स्थितियाँ हैं, पिछले वर्ष की क्या स्थितियाँ थी और इस वर्ष किस रेट के सौदे हो रहे हैं, किस तरह से सौदे हो रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। साथियों मैं अभी प्रकाश कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में अवधेश जी हैं। आज यहाँ पर कुछ सौदे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, किस रेट के सौदे हुए और किस तरह की क्वालिटीज थी, कौन सा आलू था, उन सब चीज़ों के बारे में अवधेश जी से जानेंगे। अवधेश जी अभी की बात करें तो आज जो सौदे हुए हैं अधिकतर किस रेट के सौदे हुए? जो हल्के माल हैं, छिले माल हैं, वो 400 से लेकर के 450 500 रुपये तक के हैं। अच्छा। हाँ, डार्क कलर के हैं, इनमें थोड़ी सी मिट्टी भी है, वो 400 से 500 रुपये तक के सौदे हैं। बाकी के उससे अच्छे माल हैं तो फिर ऊंची रेट में है। गोल्डन कलर का माल है, साफ सुथरा सा है, छिला नहीं है, वो 500 से ऊपर का है, 550-570 रुपये तक वो माल बिका है। माल बिका आज जी। तो आज की बात करें तो हल्की क्वालिटी है वो 400 से 500 के बीच में। हाँ, हल्की क्वालिटी 400 से 500। जो ठीक क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी है, वो 500 से 650 तक का आपके यहाँ जी सौदे हुए? सौदे हुए हैं आज। तो जो अभी किसान बेच रहा है आलू को, तो ज्यादातर हल्की क्वालिटी इस समय निकाल रहा है कि बढ़िया क्वालिटी को भी अभी निकाल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, जैसा किसान के पास है माल। अच्छा। हाँ, जैसा है वैसा बेचेगा वो। मतलब ऐसा कुछ नहीं किसान के भाई अभी थोड़ा सा हीटा माल निकाल रहा हो, बढ़िया अभी रोक के रखो? ऐसा कुछ नहीं, जैसा है किसानों के पास वैसा बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कुल मिला के भाव ज्यादातर वही 500, 550, 550, 400 से 600 रुपए तक का भाव है बाजार का। 400 से 600 रुपए तक का। आगे भाव में कोई सुधार की उम्मीद? और मुझे तो नहीं लग रहा कि रेट बढ़ेगा, तो माल स्टॉक ज्यादा है, उस हिसाब से मार्केट की डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं है, शायद रेट ना बढ़े जी। अच्छा, कुल मिला के किसान को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए तो जो लास्ट तक पूरा माल सिमट जाएगा और किसान को भी जो मिलना है वो मिलेगा। लेकिन आप रोक के रखते हैं, बाद में स्टॉक बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, माल एक साथ कैसे निकल जाएगा। अच्छा, आप अपने यहाँ पे शुगर फ्री का भी है? शुगर फ्री का है मेरे पास, शुगर फ्री के 5 चैम्बर हैं। शुगर फ्री चिप्सोना का रेट 600-650-650 ये बिक रहा है। आज है कुछ सौदे हुए हैं? चिप्सोना का आज कोई सौदा नहीं है, आज कोई सौदा नहीं है, लेकिन उसका भी 600 से 650 के बीच का, 650-600 ही है, 650 नहीं है, 650 तक। साथ में प्रकाश कोल्ड स्टोर, प्रकाश कोल्ड स्टोरेज से मैनेजर जयराम जी हैं। तो मैनेजर साहब, अगर बात करें हम निकासी की, तो निकासी की स्थिति अभी की क्या है इस समय तक की? इस समय स्थिति करीब 20,000 कट्टे करीब निकल रहे, 20,000 कट्टे के आसपास की निकल रहे। अगर हम यही तुलना पिछले साल से करें तो पिछले साल की निकासी की क्या थी इस समय तक? पिछले साल की 38,000 के लगभग थी, 38,000 के आसपास। इस साल कम हुई है, इस साल कम हुई है, करीब 35-40% के आसपास की कमी है। हाँ, कमी। तो ये क्या वजह है ये कम होने की निकासी की? ये दक्षिण भारत में कोलार की फसल आती है, वो पिछली साल जल्दी खत्म हो गई थी तो आलू जल्दी निकलने शुरू हो गया था, इस साल मतलब अभी तक चल रही है फसल। अच्छा अच्छा, इसका कारण मतलब कहने वाला ये है कि जो अपने क्षेत्र का आलू है ज्यादातर दक्षिण भारत में जाता है। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कोलार अभी तक वैसे तो सभी जगह जाता है लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादातर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत तो कोलार जब तक खत्म नहीं होगा सही से तब तक यहाँ पर निकासी बढ़ने की, निकासी बढ़ने की। अच्छा, जो अभी निकासी हो रही है अपने यहाँ से तो ज्यादातर किस रेट में हो रही है, क्या रेट के सौदे हो रहा है ज्यादातर? इस समय रेट 500 से लेकर के 550-600 घट गए हैं, मतलब पहले 610 तक भी देते 600 रुपए तक। अच्छा, अब रेट कम हो गई है। अगर इस सीजन की बात करें, इस सीजन की, हाँ। तो आपके यहाँ ऊंचे में सौदे कितने तक हुए हैं और नीचे में कितने तक के सौदे हुए हैं? ऊपर सौदे 610 तक हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए। 610 तक, 610। और नीचे में बढ़िया क्वालिटी के? बढ़िया क्वालिटी इस समय नीचे भी चल रही है 550 के लोग, 550, 560-65 जैसा आलू निकल आता है उसी हिसाब से। हाइब्रिड के क्या रेट है आपके यहाँ? हाइब्रिड के 500 के। 500 के।
गुल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत निकला है कि नहीं निकला? गुल्ला अभी समझो 400-380 480। बाकी किसान की स्थिति क्या है, किसान कितना आ रहा है अभी? किसान तो आ रहा है, बेचने का इच्छुक है किसान तो। किसान तो लगातार आ रहा है, लेकिन मंडी के हिसाब से ही जा पाएगा। मंडी मांगी करेंगी तो व्यापारी भी खरीदेंगे, डिमांड नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से अब किसान निकालना चाह रहा है उस हिसाब से डिमांड नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा भाव भी कम है। हाँ भाव कम, डिमांड मांग पूर्ति का हिसाब होता है, मांग बढ़ेगी तो अपने भाव बढ़ जाएगा। तीन स्टेज आती है अभी, और इसके बाद में बरसात का मौसम आएगा, बरसात से फर्क पड़ेगा। क्या फर्क आता है, बरसात अच्छी होती है, ज़्यादा हो जाती है तो हरी सब्जी वगैरह खत्म हो जाती है, तो उससे आलू पर फर्क पड़ता है थोड़ा। जो तीन स्टेज बता रहे हो आप, तीन स्टेज रहती है आलू की बिक्री के हिसाब से? हाँ, तो तीन स्टेज कौन कौन सी रहती है वो बिक्री के हिसाब से? एक स्टेज तो चल रही है, ठीक है, दूसरी बरसात, ठीक, और तीसरी पंजाब की फसल की बुआई का होना। तो पंजाब की फसल की बुआई का समय क्या रहता है? वो रहता है सितंबर के लास्ट में। सितंबर के लास्ट में, तो इन तीनों स्टेजों पे भाव ऊपर नीचे ज्यादा होता है? हाँ, हाँ, पंजाब की फसल उस समय वर्षा हो गई, अब पंजाब की फसल लेट गड़ती है तो फिर मतलब भाव बढ़ जाते हैं उस समय। लेकिन वो भविष्य के ऊपर है, तो भविष्य का कुछ पता ही नहीं। प्रकृति के ऊपर है, क्या होता है भविष्य के बारे में तो कोई आकलन नहीं कर सकता। आलू की स्थिति तो कुछ नहीं दिखाई देता मतलब ऐसे। ये मेरे साथ में प्रकाश कोल्ड स्टोरेज से मैनेजर साहब थे, जिन्होंने बताया कि अभी तक की निकासी की स्थिति क्या है आज की, पिछले वर्ष की क्या थी, और पिछले वर्ष और अब के वर्ष में जो निकासी में अंतर है वो किस वजह से था, वो सारी चीजें इन्होंने स्पष्ट की।